हेलो यार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। आपको मालूम है कि एक दवाओं का जो कॉमन दवाएं हैं और ज़्यादा महंगी भी नहीं है और लोग शौक से उन्हें खरीदते हैं, इन्हें OTC मेडिसिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनका मैंने सिलसिला शुरू किया है ताकि आपको दवा के मौके इस्तेमाल के कहाँ कहाँ में करना है और दवा का आपको ये मालूम हो कि हाँ ये दवा कैसी बनी हुई है, अच्छी है ख़राब है, ये मैंने शुरू किया है। और देखिए आज मैं आपके सामने खमीरे का जिक्र करता हूँ। खमीरा गाउजबान सादा, कुछ ज़्यादा महंगी दवा नहीं है। पहले आप ये समझिए कि खमीरे जो हैं इनका चलन कैसे हुआ। मुगलिया दौर में बादशाहों का जो दौर था, मुग़ल दौर, उस ज़माने में उनको दवा को लजीज बनाने के लिए ये खमीरों का चलन हुआ, खमीरे बनाए गए। इसमें तरीका क्या होता है कि जो दवाएं होती हैं उनको बॉईल किया जाता है, डिकॉक्शन होता है, डिकॉक्शन के बाद बॉईल करने के बाद उसको छान कर उसमें चीनी या शहद और चीनी शहद ये दोनों डाल करके इनका खिवाम बनाया जाता है। खिवाम बनाने के बाद इसकी एक तरीके से घुटाई की जाती है जिसे हम, और फिर इसके अंदर एक तरीके का फर्मेंटेशन होता है। खमीरा नाम है ना, खमीर, तो ये एक दवा की शक्ल जो लजीज बन जाती है और खुश रंग बन जाती है, रिप्रेजेंटेशन उसका अच्छा हो जाता है। ये तो ये बात हुई। अब खमीरा गाँव जुबान में देखिए, सबसे पहले है बरगे गाँव जुबान है, इसे हम बोरेज लीव बोलते हैं। गुले गाँव जुबान है, इसे हम बोरेज लीव बोलते फ्लावर बोलते हैं। आप रेशम होता है, सिल्क वाम कोकोन बोलते हैं। कश्मीज होती है जिसे हम कोरिएंडर, सूखी हुई जो कश्मीज होती है, कश्मीज खुश, कोरिएंडर धनिया जो होता है हम उसे बोलते हैं। बैमन सफ़ैद, तो उसमें रेड बैन और वाइट बैन ये होता है, और संदल सफ़ैद इसमें होता है, संदल बूढ़ी होती है ये, और तो हमें फरंज मुश्क होता है जिसको कि हम एक तरीके से कहें तो बेसिल सीड होता है, तो हमें रिहान भी उसी का नाम है, बेसिल स्वीट बेसिल सीड, और उसमें बालंगो इसके अंदर होता है जिसको हम सेविला सीड बोलते हैं। और फिर इसका अंदर बाजरन बोया एक चीज़ होती है, एक बूटी का नाम है जिसे कैटमिंट बोलते हैं और बालछड़ भी उसे कहा जाता है। तो इन चीज़ों का डिकॉक्शन बना के और तवाम में डालकर इसको इतना घोटा जाता है कि एक सेमी सॉलिड शक्ल ये बन जाती है। तो पहले क्या तरीका था इसका कि भाई एक चम्मच लिया, एक चांदी के वर्क में लपेट के खा लिया, ऊपर से किसी को गुलाब के साथ खिला दिया, किसी को के गौतुबान के साथ खिला दिया। तो इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मौक़ों में, मुख्तलिफ जिसे कहना चाहिए जो अप्रोप्रिएट इसका जो बद्र का या जिसे कहिए अनुपान कहिए उसके साथ इसको दिया जाता था। तो उसमें अर के गुलाब भी है, अर के गौतुबान भी है, अर के बादियान भी है, सादा पानी भी है, इन चीज़ों के साथ इसको दिया जाता था। अब इसका इस्तेमाल जो है एक इसकी बहुत बहुत लाइट है, वो जो इफेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ एंजियोलाइटिक यानी जहरी तरद्दुद अगर होता है किसी भी वजह से होता है, नज़ला वगैरह है, उसमें आदमी परेशान रह रहा है, दिमाग की परेशानी है, कोई और प्रॉब्लम है, कान में तकलीफ है, कुछ और है, तो ये एंजियोलाइटिक प्रॉपर्टी इसकी है। क्योंकि देखिए मैंने आप बताया ना मेरे यहाँ तो मेरे यहाँ है जो तुलसी के बीज होते हैं, और दूसरा नज़ला खांसी सर का दर्द आम जिस्मानी कमजोरी इसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छी दवा है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आप इसे घर पे बनाएं। अजरबी इसके ऐसे हैं कि आप ला सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी दवा के बारे में आपको मैं बताऊंगा, और अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिए। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। क्लिनिक अपने स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का समाधान पाए, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें इस नंबर पर 01140109555।